जीवन की ये रंजिशें, ये वक्त की जुल्मतें। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुश आमदीद। शो का नाम है द मिशी खान शो और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, मैं अपने उस एक स्टांस में थी, बट ये सेकंड टाइम हुआ है मेरे साथ। दिस इज द सेकंड टाइम इट इज हैपेंड टू मी। खैर, एनीवेज, आज का सवाल सुन लें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पहाड़ किस मुल्क में पाए जाते हैं। ये आपने कॉल करके बताना है 0514102357 पे। उसके अलावा आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं फरहीन ज़ारा, जो कि फूड पैंडा राइडर हैं, और साथ में बिलाल खान हैं जो कि सिंगर एंड कंपोज़र हैं। और सॉन्ग आज आपको दिखाएंगे इस इश्क बाय सरमद कदीर, जो कि बड़ा फेमस है और YouTube पे काफ़ी मिलियन से ऊपर, आई थिंक 100 मिलियन से ऊपर उसके लाइक्स हो गए हैं। वही हुआ नाज़िर, हुआ ये कि वो एक मेरी एनर्जी होती है ना, उससे जब स्टार्ट होता है ना तो उससे एक और ही मज़ा होता है। बट अनफॉर्चुनेटली जो है हमारे सितारे कुछ मिल नहीं रहे, एक हैं उनके मेरे सितारे मिल नहीं रहे। सो आज का सवाल आपको दोबारा से बता दूँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा पहाड़ किस मुल्क में पाए जाते हैं, कॉल आप कर सकते हैं। उसके अलावा नाज़रीन, आज जो डिश बनेगी, बैठ जाती हूँ, मैं चाय भी पी लेते हैं। सोचा कुछ होता है नाज़रीन, ज़िंदगी में हो कुछ जाता है, समझ नहीं आती कि क्या होता है, लेकिन ये कि होता है, ये कभी इंसान ने सोचा कुछ होता है, होता कुछ है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मम्मी, क्या हाल हैं आपके, खैरियत से हैं आप, ठीक ठाक हैं? दावर भाईजन और बाबर भाईजन को मेरा ख़ास सलाम। और सारे सोच विचार में पड़े हुए, व्हाट आर यू थिंकिंग, सो उनको भी मेरा ख़ास सलाम। नाज़रीन, मम्मी जो है वो बड़ी वो होती हैं, क्या कहते हैं, अर्डेंट व्यूअर होती हैं शो की, सो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। दावर भाईजन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज का कपड़े आपको दिखा दूँ, बहुत ही फ्लेयर फ्रॉक है और ब्लैक में है, और इसकी जो एक कट है, इट्स लाइक फ्रॉक कट है बट ज़रा डिफरेंट है, नीचे से कट हुआ हुआ है, और इसका कपड़ा भी बहुत ज़बरदस्त है। हमेशा वो कहते हैं ना थोड़े सा ऐसे ये, सो अच्छे अच्छे मज़ेदार से डिज़ाइंस पहना करें। बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट शर्ट्स और बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी, मैक्सीज अच्छी लगती हैं, लेकिन होना ये चाहिए कि कंफर्ट लेवल जो है वो आपका होना चाहिए उसमें। सो आज जो है इंशाल्लाह आपसे खूब गपशप भी लगेगी, बातें भी होंगी, और साथ में आज जो है हमारे जो कीबोर्डिस्ट हैं वो गायब हैं, पता नहीं रूपोश हो गए हैं कहाँ पे। सो वंस अगेन आपको आज का सवाल बता दूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पहाड़ किस मुल्क में पाए जाते हैं, कॉल करके आप बता सकते हैं 0514102357 पे। अच्छा, आज का जो शो है जो रात में लाइव आता है 9:30 से 11 बजे तक मैं आपके साथ होती हूँ, जुमेरा जुमा और हफ्ता 9:30 से 11 बजे तक। इसका रिपीट टेलीकास्ट जो है वो कल सुबह आएगा 9:30 बजे और शाम में 4:30 बजे। सेकेंडली, जितने ये सोशल मीडिया साइट्स हैं वो भी मैं आपको बता दूं, मिशी खान ऑफिशियल 2 जो है वो इंस्टाग्राम पे है, मिशी खान @MishiLicious जो है वो ऑन ट्विटर है। उसके साथ साथ आप जो फेसबुक पे इस शो का जो पेज है द मिशी खान शो, उसको भी जाके फॉलो कर सकते हैं, साथ में टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं, दैट्स मिशी खान ऑफिशियल, एंड जाके जो यूट्यूब है उस वो भी मिशी खान ऑफिशियल ही है। K2TV के भी जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, K2TV ऑफिशियल ऑन इंस्टाग्राम, K2TV ऑफिशियल यूट्यूब पे हमारा ऑफिशियल जो चैनल है, उधर जो भी प्रोग्राम आपसे मिस होते हैं वो उधर जाके आप व्यू कर सकते हैं, और इस पे भी ट्विटर पे भी K2TV ऑफिशियल। सो अब चलते हैं, आज रिहान ने स्कर्दू से लास्ट वीक कॉल की थी, उन्होंने कहा था चिकन कढ़ाई बनाना सिखाएं। अब चिकन कढ़ाई इज़ अ वेरी कॉमनली मेड डिश हर घर में, लेकिन उसके तरीके डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग जो है बिल्कुल कोई मसाले नहीं डालते, कुछ लोग टमाटर बहुत ज़्यादा डालते हैं, कुछ लोग दही डाल देते हैं। सो हर चीज़ जो भी आप इसमें रद्दोबदल करते हैं उससे इसका जायका जो है वो बिल्कुल बदल जाता है। वो कैसे, दही आप डालेंगे तो मुख्तलिफ जायका आएगा, टमाटर डालेंगे तो मुख्तलिफ जायका आएगा। सो एवरी टाइम जायका जो है हाथ हाथ पे डिपेंड करता है। तो आज रिहान स्कर्दू में अगर देख रहे हैं तो आज आपकी फरमाइश पे बन रहे हैं, आपके बोर्ड पे नाम, मेन्यू बोर्ड पे आपका नाम भी है, और स्कर्दू से आपने कॉल की दिया हो। हाँ, स्कर्दू की स्पेलिंग सही है। एक फर्स्ट कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही हैं? मैं सलमा बोल रही हूं, चित्राल से। चित्राल से कौन?
सलमा बोल रही हूँ। सलमा जी, जी सलमा क्या हाल चाल है, थोड़ा ऊंचा कर दें प्लीज। मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, क्या कहना चाहेंगी? मैं आपके सवाल जवाब देना चाहूंगी। पाकिस्तान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पहाड़ पाकिस्तान में पाए जाते हैं। पाकिस्तान में पाए जाते हैं, ठीक है ठीक है। और आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं और बहुत ज्यादा पसंद है, और आप भी हमें बहुत ज्यादा पसंद है। थैंक यू सो मच सलमा, सो स्वीट ऑफ यू। अपने घर वालों को सबको बहुत बहुत सलाम देना, थोड़ा सा ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ी डिस्टर्बेंस बड़ी, फवाद साहब का जो हलवा है ना उसने काम खराब किया मेरे ख्याल में, हलवे की तारीफ ने काम खराब कर चुके हैं। आ जाते हैं नाजीन अब, क्योंकि वक्त कम होता है, मुकाबला साथ डेढ़ घंटे के लाइव शो में कुकिंग भी होती है, गपशप भी होती है, आपकी कॉल्स भी होती हैं, साथ साथ गेस्ट भी होते हैं, और फिर टाइम टाइम फिश एंड में पता ही नहीं चलता टाइम का कि कैसे गुजरा। चिकन कढ़ाई के लिए ऑब्वियसली आपको फिश तो चाहिए नहीं, चिकन एक से डेढ़ किलो जो है छोटे साइज आप करवा लें, क्योंकि अब जो है महंगाई उरूज पे है। आज बजट अनाउंस हो गया है और अभी तक मैंने देखा नहीं है, लेकिन सर पे हमारे बर्फ गिरेगी बहुत जल्द। सब चीज़ों की प्राइसेस जो हैं वो ऑब्वियसली आसमान को बातें कर रही हैं। जो 340 या 300 रुपीज़ केजी थी चिकन, वो अब 5 हो गई है। और उसका कीमा अगर आप लेते हैं बोनलेस लेते हैं तो उसकी अलग प्राइस है, उसकी अलग प्राइस है, हर चीज़ की अलग प्राइस है। परों वाली की अलग है, बगैर परों वाली की अलग है। ये देख लें, ये छोटे छोटे पीस हैं। अब बेशक आप 1.25 किलो की या 1.5 किलो की जो चिकन है उसके 18 पीस करवा लें, 16 करवा लें, 20 करवा लें, जितनी आपके हर एक को एक एक उसका हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट। आपको अब बजटिंग अपनी करनी पड़ेगी। ये है साथ में 2 से 3 अदद बारीक चॉप किए हुए टमाटर हैं। वैसे गोल में टमाटर डालती हूँ, लेकिन इस दफ़ा ज़रा जायका चेंज करने के लिए हमने सोचा कि इसको जो है क्यूब कटिंग में किया जाए। ये है, लाल मिर्च पाउडर डलेगा, हल्दी पाउडर डलेगा साथ में। इसको जब कुक करेंगे तो लहसुन अदरक कुटा हुआ जो है वो एक बड़ा हीप टेबल स्पून है। उसके साथ हसबे जायका नमक है, हरी मिर्चें हैं। अच्छा, ये मसाला जो है ना, ये नाजीन ये मैंने खुद बनाया था। इसके अंदर धनिया है, कुटी हुई लाल मिर्च है, ये देखें ज़ीरा है, और जो मतलब थोड़ा दरदरा जो है, ये जो धनिया साबुत धनिया है उसको भी थोड़ा सा पीस के वो डाला है, और साथ में इसमें वो है हल्दी है, नमक है, और साथ में लाल मिर्च पाउडर है, और इसमें ज़ीरा पाउडर भी है। सो ये आपने मसाला अगर बना लें तो ये भी बहुत अच्छा है। ये मैं आधा एक टीस्पून डालूंगी जस्ट फॉर फ्लेवर, ठीक है। अब हम ऑन कर लेते हैं अपना ये, और इतनी कोई गर्मी लग रही है मुझे नाज़रीन, उफ इट इज़, ये क्या है गुलदाद भाई, प्लीज़ एक मुझे वो लाइटर ला दें तो ज़्यादा बेहतर है, ये दिस इज़ क्वाइट डेंजरस डेंजरस। ए ये अब सही हो गया, आग से, आग का खेल बड़ा मुश्किल। और जितने लोग ख़वातीन जो हैं, छोटी बच्चियाँ अपनी मदर्स को दूर दराज इलाकों में अगर आप उन्हें कुकिंग में हेल्प करती हैं, तो कुछ चूल्हे जो होते हैं वो नीचे पड़े हुए होते हैं। अब नीचे चूल्हा जो पड़ा हुआ है उसकी जब फ्लेम निकली होती है तो आपने क्या किया होता है, अपने जो मसालों के शेल्स हैं ऊपर लगाए हुए होते हैं, तो अब आप यहाँ से ऐसे होंगे और ऊपर से निकालेंगे, नीचे से शर्ट पे आपके आग लगने का बहुत खदशा होता है। इसलिए जो भी मसाले हैं उनको साइड पे रखें, नीचे रख लें बेशक। बहुत बर्न के केसेस होते हैं जिसमें ज़ाहिर है नायलॉन के कपड़े होते हैं, अगर आप ये कॉटन के ये जो एप्रन है ये आप पहन लें तो आपकी बचत हो सकती है। इतने मैंने बर्न वार्ड में मुझे एक दफ़ा इन्वाइट किया था, मैं इतने दिनों तक सो नहीं सकी थी कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से जो है पूरी पूरी बॉडीज़ जो है जल जाती हैं। छोटी बच्चियां उसमें थी हॉस्पिटल में, तो इसलिए प्लीज़ बी केयरफुल। जिनके नीचे चूल्हे लगे हुए इधर दीवार पे कुछ भी ना लगाएं, साइड पे रख लें या थोड़ा पीछे होके, क्योंकि एक सेकेंड का टाइम लगता है और थिंग्स कैन गो रॉन्ग। सो इसमें मैं एक कप से कम, क्वार्टर कप के बराबर मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, क्योंकि हाँ इसमें हम 3 से 4 टेबलस्पून दही के भी डालेंगे। बिस्मिल्लाह रहीम, ये देख ले, ये हो गया क्वार्टर कप। इसमें सिर्फ अब हमने लहसुन अदरक को थोड़ा सा भूनना है और उसके बाद साथ में चिकन ऐड कर देंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, ये आवाज़ बहुत बुरी लगती है, सॉरी नाज़रीन मैंने वो नहीं किया।
What's wrong with the damn pump? Sorry, Nazim. इसको खोल के निकालना पड़ता है, पता नहीं क्या मुसीबत है. आज का दिन करवट जो है वो अच्छी नहीं गुजरी है. चले, वो एक्चुअली मुझे ये होता है ना कि एयर टाइम जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है. एयर टाइम इज द मोस्ट एक्सपेंसिव. तो इसमें जो है ना फास्ट एंड फ्यूरियस चीज़ें होनी होती हैं. तो ये हो गया. अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं. ये देख लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इसको हल्का सा आपने, जैसे ही ये गोल्डन होने लगेगा ना, इसके अंदर मैंने चिकन ऐड कर देनी है. एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सुने जरा, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें. भाजी क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत से. टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें. टीवी का हमारा वॉल्यूम बंद है भाजी. अच्छा, बंद है. ओके, क्या बना रही हैं आप? ये है चिकन कढ़ाई बन रही है. अच्छा, चिकन कढ़ाई बन रही है. तो कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं हैदराबाद से कॉल कर रहा हूँ और मैं आपका शो देखता रहता हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छे खाने बनाती हैं आप. अच्छा, आपके घर में खाने कौन बनाता है ये बताएं. हमारे घर में मेरी अम्मी बनाती है और भाभियाँ हैं और भी जो है ना बहन है मेरी. बहन है. पान खा रहे हैं क्या इस वक्त? जी, पान खा रहे हैं आप इस वक्त? नहीं नहीं, पान में कुछ नहीं खाता. अच्छा, तो ये बताएं कि, बहुत शुक्रिया आप हैदराबाद से कॉल कर रहे हैं, तो ये मुझे बताएं कोई सिंधी का सॉन्ग सुना दे. अब हम इसमें चिकन ऐड कर रहे हैं. सिंधी का कोई सॉन्ग आता है आपको? नहीं नहीं, मुझे उर्दू में आता है सॉन्ग. उर्दू में सुनाओ भाई. कौन सा गाना सुनाओ? कोई भी गाना सुनाए अपनी पसंद का. मिली नगमा सुना दूं? हाँ सुनाए, मिली नगमा सुनाए. चले ही सुनाए. दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ये रोशनी चलती रहे, ये रोशनी चलती रहे. आपको बोल नहीं आते थे, बट थैंक यू, वेरी नाइस. बहुत प्यारा आपने जज्बा दिखाया. और ये कि नाज़िन, बड़ा आसान होता है जो मिली नगमे होते हैं, आपका जो कौमी तराना होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं. ये आपको अजबर याद होनी ज़रूरी होती हैं. तो कोशिश किया करें इधर उधर जो टाइम वेस्ट करते हैं कि कभी कभार इंसान सुन ले, ताकि आपको जो अल्फाज हैं और जो लिरिक्स हैं उसके वो बिल्कुल सही याद हों. क्योंकि मिली नगमे में ना वो गुंजाइश नहीं होती कि जी गलती हो गई. या इसमें भी आपके जो कौमी तराना है, बहुत दफ़ा मैंने देखा है, एक तो सिनेमा हॉल में लोग उठने में इतनी तकलीफ़ नहीं कर रहे होते, उठते दूसरे तीसरे मिसरे में है. तो मुझे बड़ा लगता है कि यार आपने एहसान किया, ना ही खड़े होते तो बेहतर था. मैं तो लोगों को खड़ा कर रही होती हूँ उधर सिनेमा हॉल में. अगर लास्ट पता नहीं, हाँ, टॉप गन मैवरिक नाज़िन देख रही है. मुझे याद है मैं टर्की में थी, इस्तांबुल में, 1998 में टॉप गन जो है वो रिलीज़ हुई थी, जो पहली वाली है टॉम क्रूज़ की. और वहाँ पे तकसीम स्क्वायर है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉल था, तो वहाँ पे सिनेमा, मतलब पाकिस्तान में तब तो ऐसे सिनेमाज़ नहीं थे, तो यहाँ पे नॉर्मल जो रेगुलर सिनेमाज़ होते हैं, तो वहाँ पे सिनेप्लेक्स था. तो उधर जाके हमने ना, पूरा टीम गई थी, ड्रामे के लिए मैं गई हुई थी, तो उधर हम गए, हमने देखी टॉप गन. ओए होए होए, क्या मज़ा आ गया था, मज़ा ही आ गया था. अच्छा जी, ये देख लें. नहीं, टॉप गन नहीं थी, आई एम सॉरी नाज़िम, वो थी मिशन इम्पॉसिबल थी. देख लें, सब चटरा गया है बिल्कुल. टॉप गन नहीं थी, वो थी मिशन इम्पॉसिबल. लेकिन टॉम क्रूज़ की क्या बात है, अभी जो सुनने में आ रहा है कि ये जो फिल्म है इनकी, ये सुपर डुपर हिट हो चुकी है, तो इसलिए ये जाके देखनी बनती है. सो एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं. आप लोग क्यों इतने सीरियस है आज? व्हाई यू सो सीरियस? हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. बहन क्या हाल है? ताहिर बात कर रहा हूँ गुजरावाला से. गुजरावाला से? जी जी. कैसे हैं ताहिर? हाउ आर यू? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहन, अल्लाह का शुक्र. आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनाएं कैसे हैं, सब खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह. मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ और बड़े अच्छे मजे मजे खाने बनाती हैं आप. अच्छा, थैंक यू. आपने कुछ बनाने की कोशिश की या घर वालों ने?
नहीं, मैं अपनी वीडियो को चिकन फ्राइज करके देता हूँ और स्टीम फ्राई करके देता हूँ। पहले भी मैंने आपसे पूछा था ना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो आज कोई फरमाइश है आपकी ताहिर साहब? जी ये कुछ स्वीट के बारे में बता दें। किसके बारे में? मीठे के बारे में। मीठे के बारे में? जी जी। कौन सा मीठा? ये कस्टर्ड वगैरह ना, मतलब कस्टर्ड चॉकलेट। अच्छा। चॉकलेट वाला ना? चॉकलेट वाला कस्टर्ड पेन का है? नहीं नहीं कस्टर्ड नहीं, चॉकलेट केक ये लिखे। अच्छा पेन किधर है? उधर। गुलदाद भाई आप भी लगता है अब थोड़े से वो हो रहे हैं। अच्छा सॉरी एक सेकेंड ताहिर साहब ठहर जाए। जी जी। ताहिर गुजरा वाला? जी जी गुजरा वाला। और आपने कस्टर्ड खा ली के ट्राइफल या कुछ मीठा या कुछ ऐसे? जी जी बिल्कुल। नहीं क्या फरमाइश है आपकी? जी वो चॉकलेट केक होते हैं ना जो बनाते हैं ओवन में। ओवन में ये वाले? ओवन में चॉकलेट केक। चले अगले हफ्ते आपके लिए चॉकलेट केक बनाते हैं, ठीक है ना? बहुत जबरदस्त सा बनेगा इंशाल्लाह, यही बनाऊंगी बच्चू। और मेरी बहन मेरी दुआएं आपके साथ है, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, अच्छी तरह प्रोग्राम करती रहे आप। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स अ लॉट ताहिर साहब, सो स्वीट ऑफ यू। अच्छा जी ये देख लें नाज़रीन, ये भुन भुन गई है अच्छी। इसमें मैंने जो ट्विस्ट लाना है ना, रेहान अगर कर्दू में देख रहे हैं, ये जो प्याज है ना, ये देखिए ये गोल लच्छेदार, इसको हमने जब ये ऑलमोस्ट कुक होने वाली होगी ना, लाइक 5 मिनट रह जाएंगे तब मैं इस पर डालूंगी, इसका एक और मज़ा होगा। अभी मैं इसमें मसाले डाल दूं कि ठहर जाए। इसमें अब मैं थोड़ी सी हरा धनिया, थोड़ी सी अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्च, जल्दी से इसमें मसाले डाल देते हैं ताकि जब वापस आएँ तो हमारे पास काफ़ी कुछ हो जाए। 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर, 1 टीस्पून वो जो मिक्स मसाला मैंने आपसे बताया वो वाला मैंने जो बना के रखा है वो, 1 टीस्पून ये नमक, आधी टीस्पून क्वार्टर टीस्पून हल्दी पाउडर और आधी टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून, ठीक है? ये हमने डाल दिया, इसको मिक्स कर लेते हैं और अब चलते हैं क्विक से ब्रेक पे। अब ब्रेक के बाद इंशाल्लाह मिलेंगे, आपने कहीं नहीं जाना बिकॉज आप देख रहे हैं द मिशी खान शो। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं और कोशिश कर रही हूँ नाज़रीन एनर्जी लाने की। सो अब ये देख लें मैंने क्या किया था, मसाले डाल दिए थे चिकन में और अब इसमें हरी मिर्चें मैंने साबुत भी कुछ ऐड कर दी हैं। ये मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि इसका जो फ्लेवर है वो अलहदा होता है, जो थोड़ी सी कटी भी डाली थी वो अलहदा, बाकी जो है ये जो बाकी पड़ी हुई है ये हम गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। अब दही नाज़रीन, मैंने अपने लिए दही लिया था, फिर मुझे याद आया कि रात को दही नहीं खाते तो मैं कल खाऊंगी, लेकिन इसमें से मैं 1, बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम 2, 3, 4 और 5 टीस्पून हैं। इसको अच्छी तरह बीट ज़रूर कर लिया करें वरना वो फिर जो करी है वो स्मूथ नहीं बनती। इसको हमने स्मूथ करके ये जो टमाटर हैं ये टमाटरों में बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम हमने मिक्स कर लिया, ये देख लें। ये एक कॉलर है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रही है? हसीब। हसीब हसीब कहाँ से बोल रहे हैं? लाहौर। लाहौर, क्या हाल है हसीब आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? जी मैं ठीक। ठीक आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं क्या हाल चाल? मेरी एक फरमाइश थी आप पिज्जा बना ले। बना ले पिज्जा? पिज्जा पिज्जा बनाऊं? जी बेटा नाम बताओ दोबारा से। हसीब। हसीब लाहौर। हसीब लाहौर पिज्जा अगले हफ्ते बनेगा बेटा, इस दफा की तो चौको ब्लॉक हो गया है जो हमारी मेन्यू है, कल भी फरमाइश है, अगले हफ्ते वाले में डालती हूँ आपका, क्या कहते हो? ठीक है। ठीक है, कोई आपको मिली नगमा आता है? नहीं नहीं आता, वेरी गुड। अच्छा तो कौमी तराना आता है? जी।
सुनाओ बेटा थोड़ा सा। नौ दो ग्यारह, ये 9211 किसने इजाद किया था वर्ड 9211? शहबाज भाई ने। बाज, कल बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो सबसे ज्यादा परिंदा जो है वो बाज है, और वो निकला शाहीन। ओके, ये बहुत नाजीन जबरदस्त तरीके से भून चुका है ये टमाटर और दही का मिक्सचूर जो है, ये मैं मिक्स कर रही हूँ। और इसको आपने कुछ नहीं करना, इसमें थोड़ा सा आपने पानी ऐड करना है। गुलदाद भाई की जो शॉपिंग है ना इस दफा क्रॉकरी की, आई लव द बोल्स, ये मुझे सबसे ज्यादा अच्छे देखें बोल ये लगा है, बहुत ही प्यारा वाइट, इसके अंदर जो भी आप कुछ सर्व करें। आहा हा हा, गुलदाद भाई की शॉपिंग, ये हमने ऐड इसमें इसलिए किया ताकि बोल भी साफ हो जाए और चीज आया भी ना हो। सेम मैं इस वाले के साथ करने वाली थी। अब इसमें मैं ये जो ये देख लें गोल कटे हुए जो प्याज है ना, इसको सिर्फ आपने इस तरह रिंग्स जो है इसके इसमें डालते जाना है। ये एक मुख्तलिफ जायका देगा आपकी चिकन कढ़ाई को, क्योंकि कहीं किताब में नहीं लिखा हुआ कि आप इसके अंदर ये गोल प्याज नहीं डाल सकते। सो हमेशा एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप इनोवेट कर सकते हैं और मज़े मज़े की चीज़ें मुख्तलिफ अंदाज में बना सकते हैं। डजेंट मैटर कि उसी किताब वाली चीज़, हाँ कुछ चीज़ें हैं जो कि आप खुद से उसमें अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते, जिस तरह दिल्ली के खाने हैं और जो मुग़लों के दौर के खाने हैं उसमें आप अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते, लेकिन ये जो चीज़ें हैं इनमें आप अमेंडमेंट्स थोड़ी बहुत कर सकते हैं। ये देखे मैंने लच्छे डाल दिए इसमें। हेलो अस्सलाम वालेकुम, हाय हाय सॉरी नाजीन कॉल ड्रॉप हो गई। ये मैंने डाल दिया इसमें, ये हो गया। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी अदरक, अदरक डाली और थोड़ा सा हरा धनिया, ठीक है। अब इसको हमने क्लोज कर देना है फॉर ओनली 2 मिनट्स, ताकि स्टीम जब होती है ना इसके अंदर, स्पेशली ये वाली जो नॉन स्टिक देगची होती है और इसके अंदर थोड़ा सा एरिया होता है, इसमें स्टीम से जो चिकन है वो सॉफ्ट और मॉइस्ट रहती है। सो एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा नाजीन दही खाने को दिल चाह रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वालेकुम सलाम, कौन बोल रही है? कंदील। कंदील किस जगह से? कंदील समरीन। समरीन कैसी हो समरीन? ठीक ठाक, आप सुनाए? मैं ठीक ठाक, खैरियत से? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है आपकी। थैंक यू सो मच समरीन, सो नाइस ऑफ यू। आप सुनाए कैसी हैं? ठीक ठाक। अच्छा समरीन पहली दफा कॉल कर रही है, और कहाँ से? कराची से? नहीं नहीं चकवाल से। चकवाल से? अच्छा सॉरी चकवाल से, ओके जबरदस्त। जी चकवाल से। अच्छा चकवाल से। ये मुझे बताएं कि आज का जो सवाल है उसका जवाब देना चाहेंगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा पहाड़ किस मुल्क में पाए जाते हैं? सॉरी ये मुझे पता नहीं। क्यों नहीं पता आपको? अच्छा कोई गाना आता है आपको, मिली नगमा कौमी नगमा? नहीं। समरीन आपको कौमी तराना आता है? नहीं बाटी। कौमी तराना नहीं आता आपको? समरीन सेकंड कॉलर नाजी। अब ये मैंने ना ये मैंने पूरा कैंपेन चलानी है कि किसको आता है किसको नहीं आता। अब जो भी कॉल करे थोड़ा सा रट्टा मारे कौमी तराने पे। इसीलिए स्कूल्स में असेंबलीज होती थी हमारे टाइम में, अब पता नहीं होती हैं कि नहीं, और पता नहीं उसमें क्या बताते हैं कि असेंबली में होना ज़रूरी होता था, और उसमें आप कौमी तराना पढ़ते थे, पहले दुआ पढ़ते थे, उसके बाद कौमी पहले और यू नो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, कौन बोल रही हैं? जी मैं आयशा बात कर रही हूँ। आयशा कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक ठाक हैं? थैंक यू। आप सुनाइए कैसी हैं, सब खैरियत है? जी सब कुछ ठीक ठाक है। क्या कहना चाहेंगी? बस आपकी शो की तारीफ ही तो करते हैं, और क्या कहें? क्या मैंने कहा आपकी शो की तारीफ ही करनी होती है। अच्छा थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। सो कहाँ से आप कॉल कर रही हैं? पेशावर से। अच्छा ये मुझे बताएं कि आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगी?
वो कौन सा मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा पहाड़ पाए जाते हैं? आयशा, आयशा, आयशा प्लीज मत जाओ आयशा। थर्ड हैट्रिक होगी। नाज़रीन इतनी खूबसूरत खुशबू है ना इसकी, ये अगर मैं चाहूंगी कि अनमोल घड़ी जो है इधर करीब आके जरा टॉप शॉट दिखाओ ना, आगे आओ रेडी लेके अपनी। चलो ये देखो, ये देखो पर ये ले, ये दिखाओ ना। आय हाय 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 उफ, आप लोगों का यकीन है नाज़रीन इसका दिल चाह रहा होगा कि बुरकी यानी निवाला बना के रोटी का या नान का इसी टीवी के अंदर टपाऊ करके निकाला जाए। ओह मुझे इतना मजा आ रहा है नाज़रीन। अब हम क्योंकि हफ्तावार या 10 दिन के बाद ही मुर्गी खाया करेंगे इस बजट के बाद, तो फिर आपको मुर्गी जो है वो न्यूजीलैंड का स्टेक लगेगी, आप देख लेना। और न्यूजीलैंड का स्टेक कितने का होगा? तोबा तोबा। अच्छा नाज़रीन इस्लामा नहीं, वाह रात को नहीं खाना चाहिए दही, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही है? मैं नबीदा अमी बात कर रही हूँ। नबीदा कैसी हैं आप? लाहौर से? अल्लाह अल्लाह का शुक्र आप सुनाए ठीक है मिसी? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक, आप सुनाए सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक ठाक, मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ। अच्छा थैंक यू सो मच यार नबीदा। तो क्या अच्छा लगता है आपको शो में? आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है। अच्छा थैंक यू। अच्छा ये मुझे बताओ कि कोई डिश ट्राई की? मैंने आप लोग जो भी बनाती है ना मुझे बहुत सारी पसंद है आपकी। अच्छा चलो यार वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप बातें बहुत अच्छी करती हैं। अच्छा यार बस कुछ कर ही लेती हूँ कोशिश। थैंक यू। तो ये थैंक यू। अच्छा मुझे ये बताएं नबीदा कि आज के सवाल का जवाब कि दुनिया में पहाड़ जो है वो सबसे ज्यादा किस मुल्क में पाए जाते हैं? वो तो पाकिस्तान में है ज्यादा लगता है। अच्छा ये मुझे बताएं आपको कोई मिली नगमा आता है? मिली नगमा जी क्यों नहीं। कौन सा? शुक्र है जुनेजम शेख का। तो चलो कुछ सुना दो एक दो लाइनें, मैं भी आपके साथ दे देती हूँ। चलिए सुनाती। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी जमीन और आसमान इसके सिवा जाना कहाँ, चलती रहे ये रोशन चलता रहे ये कारवां, दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान वेरी नाइस नबीदा, वेरी नाइस जबरदस्त, दिल खुश कर दिता तुसाने साडा, वाह जबरदस्त वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। नाज़रीन आपसे बात करते हुए मैंने क्यों ये दही उसमें थोड़ा सा खुद खा लिया और इसमें डाल दी, क्योंकि गर्मी इतनी है इस वक्त कि आपको ना कुछ बाहर रखें खराब हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग होगी, तो मैंने कहा अब ये जब बाय द टाइम लेके जाऊंगी या यहाँ फ्रिज का या कुछ ऐसा होगा तो ये दही खराब हो जाएगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा खुद खा रही हूँ, बाकी मैंने इसमें डाल के। जरा आप इसका मुलाहिजा फरमाएं खुद। उफ माशाल्लाह मैं आपको बता नहीं सकती। अब हम इसकी आंच जो है उसको बंद कर देंगे, दैट्स इट इज डन। छोटे छोटे पीस थे ना तो इसलिए जल्दी बन गए। अब हमने इसको निकाल लेना है। एक हमारे साथ कॉलर है, आज कुश्ती होगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओहो नाज़रीन बड़े ही अच्छा बाज लोग ना, ये जो है ना बाज लोग क्या, इसको ना कभी भी रद्दी वाले को नहीं देंगे, इसको धो के या इसके अंदर कोई चीज रखी भी होगी फ्रिज में या इसके अंदर बर्फ जमी भी होगी, लेकिन ये मैं आपको बता दूं ये प्लास्टिक बड़े क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो इसको मेरे ख्याल बेचारे रद्दी वाले को भी कुछ दे दिया करें, क्योंकि हर चीज़ जो है हम लोग बोतलें जमा करके ये भी नहीं फेंकना वो भी नहीं फेंकना, लोगों ने हर चीज़ जमा की होती है, तो कुछ चीज़ें रिसाइकल करना भी बहुत ज़रूरी है। उफ माशाल्लाह नाज़रीन इसको गरम गरम ही सर्व करते हैं, मैं तो खाऊँगी। हाय 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 हाय। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं ऐसे करके निकाल रही हूँ। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रही हैं? शुजा। ओ सॉरी शुजा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे शुजा? आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा। जी जी दीजिए प्लीज। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा पहाड़ पाए जाते हैं, है शुजा? जी 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 बिल्कुल। अच्छा आप किस क्लास में पढ़ते हैं? जी मैंने ग्रेजुएशन की है। अच्छा वेरी नाइस, किस जगह से? दादाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। अच्छा वेरी नाइस। सो प्रोग्राम देखते रहते हैं कि आज पहली दफा देख रहे हैं? अम्मी जब लाती हैं तब देख लेता हूँ। क्या करती हैं अम्मी? अम्मी जब टीवी प्रोग्राम लाती हैं तब मैं देख लेता हूँ। अच्छा अच्छा ओके। और आप कॉल कर रहे हैं कराची से, मेरी सिटी से? वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त। और कुछ कहना, कोई फरमाइश करना चाहेंगे शुजा? कभी पास्ता बनाएंगा। पास्ता, चलो भाई अगले हफ्ते की तीनों डिशेज हो गई हैं। सॉरी हसीब थे, शुजा, शुजा कराची पास्ता। ठीक है शुजा, अगले हफ्ते तीन जो लोग हैं उन्होंने हमें फरमाइश की अगले हफ्ते के तीन दिनों के लिए, वो है ताहिर गुजरावाला से चॉकलेट केक, हसीब फ्रॉम लाहौर पिज्जा, शुजा कराची से पास्ता। ओके लवली ब्यूटीफुल, तारा चेक करें नाजीन, लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस चिकन कढ़ाई। रेहान आई होप आप स्कर्दू में ये वाली कढ़ाई जो है ये टेस्ट करेंगे। और नाजीन ओए होए होए, खूबसूरत तरीके से गल चुकी है चिकन, क्योंकि हमने ज़्यादातर इसको ढक्कन बंद रखा था। ये देखें, आय हाय हाय, नम 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 नम, बिस्मिल्लाह रहीम। उफ क्या ही कोयटा होटल वाला बनाएगा। वाह मिशी खान, कमाल कर दिया आपने, खूबसूरत कढ़ाई बनी है, खूबसूरत ज़बरदस्ती। थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हल्का सा पिंच लेके ना ऊपर से आपने सिर्फ इसको स्प्रिंकल कर दिया, दैट्स इट। और फिर इसको थोड़ा सा चम्मच से वो कर दिया, दैट्स इट। आज की जो रेसिपी इज डन। और अब चलते हैं, ज़बरदस्त सा सॉन्ग है सरमद कदीर का, मेरी अम्मी हर वक्त आए है नाजीन, सॉरी ये डॉट लगा हुआ है, ये हटा दिया। अब देखें मेरी अम्मी जो है वो वेट करती हैं कि मलिका तरन्नुम नूरजहान का सॉन्ग जो है चलेगा इंशाल्लाह मामा, इन कल जो है सैटरडे वाले प्रोग्राम में चलाएंगे। आज सरमद कदीर का सॉन्ग है, वो चल के सुनते हैं, उसके बाद ब्रेक। जी नाजीन वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं, आपने खूबसूरत सॉन्ग सुना, उसके बाद ब्रेक पे गए, मेरे दोनों मेहमान आ चुके हैं। आज बड़ी मैं इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो खातून आज हमारे साथ गेस्ट है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ये पहली फूड डिलीवरी लेडी हैं, फूड पैंडा के हवाले से इनका फर्स्ट लेडी हैं, फर्स्ट फीमेल जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में डिलीवरी कर रही हैं। बड़ी हिम्मत की बात है और बड़े हौसले की बात है। और विदाउट फर्दर डू मैं इनका तारुफ कराने जा रही हूँ, फूड पैंडा राइडर हैं, बहुत ही प्यारी सी अमेजिंग सी फरहीन ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम फरहीन। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूं। ठीक ठाक हैं, खैरियत से? जी जी। हमारे लिए क्या डिलीवरी लाई आप? जो आप मंगवाना चाहें आपको ला दूंगी मैं, डिलीवर कर दूंगी। स्वीट ऑफ यू, बड़ी हिम्मत की बात है कि आप ये काम जो है इसमें आपने कदम रखा, और आपकी स्टोरी भी इंशाल्लाह अभी सुनते हैं। और बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाएं, थैंक यू सो मच। अगले जो मेरे मेहमान हैं वो बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, कंपोजर भी हैं, अपने गाने उन्होंने खुद जो है कंपोज किए हैं, आज सुनाएंगे भी, बहुत ही टैलेंटेड से बिलाल खालिद। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूं। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा सबसे पहले तो आज हमारे साथ दो डाइवर्स गेस्ट हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपसे फरहीन पूछना चाहूँगी, फूड पैंडा राइडर क्यों, इतना मुश्किल काम? जी मैं स्टडीज़ कर रही हूँ मॉर्निंग में, इस वजह से जो है मैंने फूड पांडा को प्रेफर किया, क्योंकि यहाँ पे मैं इंडिपेंडेंटली जो है वर्किंग कर सकती हूँ। बस यही वजह है कि मैंने फूड पांडा ज्वाइन किया है। बीएस केमिस्ट्री के स्टूडेंट जॉब्स तो बाकी भी मिल जाती हैं, लेकिन वो पंचुअलिटी जो है बहुत जो है ज़रूरी होती है। अच्छा ओके जी, तो मुझे ये बताएं कि इसके टाइमिंग्स क्या हैं आपके?
ये टोटली मेरे पे डिपेंड करता है, जब मैं फ्री होती हूँ तब जो है मैं शिफ्ट पिक कर लेती हूँ और वर्किंग स्टार्ट कर देती हूँ। इसके लिए मोटर बाइक है आपके पास? जी बिल्कुल, मोटर बाइक है मेरे पास। पीछे जो बैग है जी, और लोग तंग करते हैं ऐसे कि देर क्यों हो गई, या होता है ना लोग बड़े इंपेशेंट है हमारे मुल्क में? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने अब तक तंग नहीं किया है, अप्रिशिएट किया है, तकरीबन सारे लोग ही अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, वंडरफुल। तो इसके लिए जितनी और खवातीन देख रही हैं, अगर वो इसको मतलब अपनाना चाहें तो इसका क्या प्रोसीजर होता है? जी इसका प्रोसीजर ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास NIC होना चाहिए, आप NIC होल्डर ज़रूरी हैं। उसके बाद आप डिफरेंट जिस सिटी में भी फूड पांडा अवेलेबल है आप वहाँ पे डिफरेंट जो है रजिस्ट्रेशन सेंटर्स हैं, आप वहाँ जाते हैं, अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं, NIC दिखाते हैं और आपका लाइसेंस जो है लिया जाता है। तो बस यही चीज़ें हैं और फिर वो आपकी आपको रजिस्टर कर देते हैं और वेरिफिकेशन करते हैं, आपकी वर्किंग जो है स्टार्ट हो जाती है। जी, और इसके ऊपर आपको क्या फायदा होता है इसमें? आपको रजिस्ट्रेशन के आई थिंक कोई अमाउंट होगा उसका? जी जी बिल्कुल, 1000 रुपीज जो है लिए जाते हैं हमसे रजिस्ट्रेशन के, आपको और बैग की अलग से पेमेंट है, लेकिन वो ये जो है स्टार्ट में नहीं लेते हैं, वो यूं करते हैं कि जब हम वर्किंग स्टार्ट कर लेते हैं तो वीकली हमारी सैलरी आती है, उस सैलरी उसमें से जो है ना 800 करके जो है कट हो जाती है। जी, बैग की क्या कीमत है? बैग की जो है 2700 ओवरऑल जो है वो। जी नाज़रीन देखिए, जब भी मैं देखती हूँ ना किसी को, मुझे ज्यादा जो अट्रैक्शन होती है वो जो बॉक्स नहीं होता मैं सोची थी बॉक्स में है क्या। तो अच्छा, तो आप जो है ज्यादातर लोग आजकल क्या ऑर्डर करते हैं? मैं ज़्यादातर जो फूड डिलीवरी है सेवर्स फूड की देती हूँ, तो बाकी रेस्टोरेंट की बहुत कम देती हूँ। वहाँ पे ये है कि मुझे मेरे घर के भी करीब है सेवर्स फूड और उसकी जो ऑर्डर्स है ना वो विद इन 4 किलोमीटर्स मुझे मिलते हैं, तो इसलिए सिर्फ मैं सेवर फूड्स पे ही काम करती हूँ। 4 किलोमीटर? हाँ जी। तो इसमें आपका क्यों कमीशन होता है आपका? जी बिल्कुल, हमें जो है फूड पांडा पे करता है। अच्छा, और पर ट्रिप जो है वो, इफ यू डोंट माइंड, मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन और उनको देने के लिए, कितना होगा अंदाजा? फूड पांडा के जो है ना उन्होंने 3 शिफ्ट्स बनाई हैं, लाइक मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट, तो उस हिसाब से ये आपको पे करते हैं। आजकल जैसे गर्मी है तो मॉर्निंग में ज्यादा पे किया जा रहा है और लेट नाइट ज्यादा पे किया जा रहा है, लेकिन इवनिंग में थोड़ा कम। तो ये है कि लेट नाइट 110, 120, 140 इस तरह से पर ऑर्डर आपको मिलता है, इस तरह इवनिंग में थोड़ा कम हो जाता है और मॉर्निंग में उस थोड़ा ज्यादा हो जाता है इवनिंग से, इस तरह से जो है। तो वीकली आपकी, नॉट बीइंग टू पर्सनल, वीकली अप्रोक्सीमेटली आपकी कितनी सैलरी होती होगी? टोटली मेरी वर्किंग पे डिपेंड करता है, अगर तो मैं 6 आवर्स करती हूँ डेली तो मेरी तकरीबन वीकली 7000 प्लस बन जाता है। 7000? जी, दैट्स वंडरफुल। और ये भी है कि इसमें आप बिजी भी रहते हैं जी, और ये आपकी एक साइड जो एक इनकम है वो बिल्कुल आती है। ऐसा ही है। वेरी नाइस, ब्रावो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। खालिद? खालिद नहीं, सॉरी, बिलाल। बिलाल अबू का नाम ले लिया। बिलाल, आपको कैसे शौक हुआ इसका, मौसीकी का और सिंगर बनने का? बेसिकली मैं कॉलेज में था, तो कॉलेज में सेकंड ईयर में था, तो तब से म्यूज़िक का मुझे शौक हुआ। बस कॉलेज में एक क्लास में टीचर्स वगैरह कहते थे कि आज गाना सुना दें, नाच सुना दें, तो फिर लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, कॉलेज लेवल, देन डिस्ट्रिक्ट, देन पंजाब, देन अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ पाकिस्तान लेवल। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो क्या सुनाएंगे? एक सॉन्ग है मेरा उड़ारी, रिसेंटली उसको मैंने रिकॉर्ड किया है, तो मैंने वही, आई विल परफॉर्म दैट उड़ारी। ठीक है, बिल्कुल सुनते हैं। नाज़रीन, आपने कोई सवाल करना है फरहीन से या फिर बिलाल से तो आप कॉल कर सकते हैं 0514102357। आज का सवाल है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पहाड़ किस मुल्क में पाए जाते हैं? चले मैं मुल्क का नाम ना, बी, बी फॉर बैट, बी से शुरू होता है, ठीक है, इतना मैं आपको थोड़ा सा फीलर दे देती हूँ कि इससे स्टार्ट होता है। चले आप सुनाएं, आएंगे इधर आ जाए जी, लाइफ। अच्छा, ये फास्ट नंबर है कि हल्का फुल्का है? ये लाइट, लाइट, लाइट है। हाँ, फोक पंजाबी लाइट। फोक पंजाबी लाइट, जबरदस्त जबरदस्त। नेड़े नेड़े बस माही वे
बारियां दिल दे मैं बूहे खोले भाई जबरदस्त। हम उठना चाह रहे थे लेकिन मैंने कहा आपकी परफॉर्मेंस के बीच में फरीन में। अच्छा फरीन आपका स्टार क्या है? लियो। लियो यस बड़ी बड़ा एनर्जेटिक स्टार है। यस जबरदस्त। आपका बिलाल? लिब्रा। लिब्रा आपको गाने का कोई शौक सुनने का? हां सुनती हूं। कौन सा म्यूजिक सुनती हूं? पंजाबी ढोल। पंजाबी ढोल दबा दबा जबरदस्त। एक चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि को इंसिडेंस इस तरह हुआ है कि आज हम दोनों इकट्ठे हो गए। ये मेरी सिटी की है, मैं जोहराबाद से हूँ। अच्छा। और ये भी जोहराबाद से। देखो यार जोहराबाद कहाँ है? खुशाब। ये आई थिंक मोटरवे पे जाएं तो जो कलर का हार है उस तरफ। जी बिल्कुल खुशाब। वादिये सुन वाय सुन सके बिल्कुल। ये बड़ी खूबसूरत जगह है। हम लोग हमेशा मोटरवे या जीटी रोड से जाते हैं तो बीच में से आपको डायवर्जन ले लेनी चाहिए। अगर आप सीधा लाहौर जा रहे हैं और आपको फॉरन नहीं पहुंचना तो कहीं से इनके मार्केट से ये वो जरूर देखनी चाहिए। बहुत खूबसूरत जगह है यहाँ पे। वहाँ मोर बहुत है ना? हाँ जी बहुत ज्यादा है माशाल्लाह। और जनवरी में केसर बेस जो है वहाँ पे स्नोफॉल भी होता है। अच्छा जी वाओ जबरदस्त। तो आप दोनों एक ही सिटी के नहीं? जी जबरदस्त। तो नाज़रीन आपका भी कोई सवाल है? प्यारी सी फरहीन है जो के फूड राइडर है और बड़ी हिम्मत की बात है कि बट दिस इज गुड कि आप जब अपने पैसे मेहनत के मिलते हैं ना तो उसका मजा ही मजा ही कुछ और है। बिल्कुल। क्या आपने जो भी कुछ करना है? अच्छा फिर क्या करती हैं? सेव करती हैं या कुछ शॉपिंग वॉपिंग? मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अपने घर के एक्सपेंस भी बियर कर रही हूँ और अपनी स्टडीज को भी आगे लेके खुद ही चल रही हूँ। अच्छा वेरी नाइस जबरदस्त। तो कैसा एक होता है ना जब आप अर्न करते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी होती है तो थोड़ा सा मगरूर तो नहीं हो जाती है कि मैं लाई हूँ ये? नहीं बिल्कुल। अगर मगरूर और प्राउड ही होती तो आज फूड पांडा पे ना होती और यही कहती कि इस जॉब का कोई कैलिबर नहीं है। लाइक मैं ये नहीं सोचती कि जॉब जो है इस तरह की उसका कोई कैलिबर होता है। आप हर काम करो, उसमें कोई शर्म नहीं है। देखिए डिग्निटी ऑफ लेबर जो है ना वो हमारे मुल्क में समझी नहीं जाती। बिल्कुल। यही लोग जो बहुत अमीर भी होते हैं जो बाहर जाते हैं स्टडीज के लिए यूनिवर्सिटीज में तो बर्गर जॉइंट्स में भी काम करते हैं, ऐसा ही है। ऊंचे भी लगा रहे होते हैं, इधर आते हैं तो सारे जो है ना जी पुत्र बन जाते हैं। तो इनकी जो है एक शोरील भी है लेकिन एक कॉल आप दोनों की इजाजत से ले लूं। जी जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही है? मैं रजिया बोल रही लाहौर से। रजिया कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूं अल्लाह का शुक्र है। क्या कहना चाहेंगी रजिया? मैं मेरी से फरमाइश पूरी की है अरेबियन शवारमा की। अच्छा आपकी फरमाइश पूरी? ओ शुक्रिया, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। तो आपने बनाया है शवारमा? जी मैंने ट्राई किया था, मैंने ट्राई किया था। ट्राई किया था? चलो वेरी नाइस। मैं पहले अपने मेथड से बनाती थी फिर मैंने आपका ट्राई किया। अरे वेरी नाइस जबरदस्त जबरदस्त। तो कोई सवाल हमारी आज जो मेहमान है वो भी बड़ी जबरदस्त है दोनों मेहमान। मेरा वो फूड राइडर से। हाँ बात करें बिल्कुल आप राबिया।
मैं कहना चाहती हूँ कि आप सबसे ज्यादा बड़ी इंस्पिरेशन है कि आप निकली हैं बाहर और एक लड़की होने के नाते आपने इसमें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं की कि आप राइडर हैं और खुद इंडिपेंडेंट होके कमा रही हैं। जी बिल्कुल, शर्मिंदगी वाली बात ही नहीं है। आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होना जो है ना सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है। तो मेरा तो यही ख्याल है कि आप इंडिपेंडेंट हों तो वही सबसे बेस्ट है। जी बिल्कुल जी राविया, थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताएं, सबसे ज़्यादा पहाड़ किस मुल्क में है? आई थिंक न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में कहाँ पहुँच गई? बी से है, बी से, बी फॉर बैट, मुल्क का नाम बी से है। बी से है, बी फॉर बैट यानी बल्ला। बहरीन। बहरीन में कहां से पहाड़ आ गए? बहरीन में तो रेगिस्तान है। रेगिस्तान है बिल्कुल, हाय हाय सहरा ही। पता नहीं फिर, पता नहीं बेटा। एक और तुक्का मारो, चलो। ब्रुनाई। ब्रुनाई में, बस वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। देखो अरे देखिए ना, एक इंस्पिरेशन तो होती है ना लोगों को, और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी काम में भी शर्म नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, तभी बाहर के ममालिक जो है वो आगे हैं क्योंकि वो हर काम शौक से करते हैं। बिल्कुल इसी तरह। और काम है ना। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा आप क्या काम, सिंगिंग के अलावा? मैं यूनिवर्सिटी है, एयर यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे मैं एयर में टीचर हूँ। अच्छा क्या क्या पढ़ाते हैं? मैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। जी मैं बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा माशाल्लाह जबरदस्त। तो वो आपका इतना मुश्किल सब्जेक्ट? हाँ, और फिर एक्चुअली फुल टाइम मेरा तो फुल टाइम जो शौक था ना या जो भी मेरा इंटरेस्ट है वो शोबिज ही है। तो ये फोर्सफुली मुझे पेरेंट्स ने डिग्री करवाई थी तो लेकिन ये है कि मैं लेकिन जॉब है कर रहा हूँ बस। बाकी है कि अभी एक मैं प्रोजेक्ट पे भी साथ में इंडिया से एक सॉन्ग मैं आउट कर रहा हूँ। अच्छा। तो एक वहाँ की एक मूवी है पंजाबी, वो आपको पता है अभी पाकिस्तानी आर्टिस्ट बैन है इंडिया में, तो थोड़ा सा काम रुक गया है। तो वो सॉन्ग मेरा एक मशहूर सॉन्ग है चन्ना मेरा, तो वो इंडिया वाला चन्ना मेरा नहीं, मेरा अपना चन्ना मेरा। अच्छा, वो तो आज पंजाबी वो भी है, वो भी सुना देता हूँ। वो भी है, वो भी जबरदस्त है, वो भी सुना सकता हूँ। दूसरे भी हैं जो वैसे सिलेक्ट किया गया था, वो भी तबीबा मेरा। तो ये फास्ट है, ये थोड़ा स्लो है लेकिन फास्ट वाले भी हैं। अब फरीन का है, फरीन का एक शोरील है, ये इंस्पायर करेंगी बहुत सारी खवातीन को ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हों और अपने पैसे कमाएं। आज के जमाने में ये कॉन्सेप्ट गलत हो गया है कि जी एक आदमी कमाए और बाकी सारे लेट के सोफे तोड़ के खाएं। हर जबरदस्ती ट्रैफिक में मोटर बाइक चलाना और माशाल्लाह हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद की ट्रैफिक और फिर साथ में लोग। अच्छा लोग आप थोड़ा सा आपको देख के सरप्राइज तो होते होंगे ना कि सारी मोटरसाइकिल्स जा रही हैं, शहबाज भाई अनमोल ये वो, बीच में जो है फरीन की मोटरसाइकिल भी। होता है कुछ लोग सरप्राइज होते हैं? बिल्कुल बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं। लाइक पहले तो उन्हें नहीं पता होता लेकिन जब मैं कट कर लेती हूँ ना उन्हें तो पोनी जब देखते हैं मेरी तो बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं। लाइक पीछे मुड़ मुड़ के भी देखते हैं लोग कि वो देखे लड़की जा रही है और स्पेशली के फूड डिलीवरी कर रही हूँ, इस चीज को देख के बहुत ज्यादा जो है ना इंस्पायर होते हैं वो लोग। इंस्पायर भी होते ना जी, आप लोग जब मोटरसाइकिल पे निकला करें तो अपनी गर्दनें पीछे ही कर लेना क्योंकि मैंने देखा मैं भी ड्राइव करके इतनी गर्दन मोड़ लेते हैं कि मतलब लगता है वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। हॉरर फिल्मों में होती है बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आप लोगों की गर्दन मोड़ने में। सो कोई ऐसा अजीब वाकया तो नहीं अभी तक खुदा ना खासा? बस ये है कि आपको पता है कि अच्छे लोग हैं तो बुरे भी हैं, शाउटिंग काफी होती है जो आप अभी बता चुके हैं, मुड़ मुड़ के देखना और ये शाउटिंग करनी, तो ये चीज है। शाउटिंग मतलब लाइक वो देख लड़की देखे इतनी ट्रैफिक हो और आप बाइक चला रहे हो, आपका ध्यान जाहिर है हम जब ट्रैफिक में होते हैं तो हमें मोबाइल पे मैप भी देखना होता है, तो दो तरफ आपका फोकस हो और पीछे से एकदम से कोई जोर से गाड़ी की ब्रेक मार देते हैं कि अगला बंदा एकदम से कंफ्यूज हो जाता है, तो इस तरह की चीजें काफी होती हैं। मैं कहती हूँ वो चीज ना हो तो। आई पर्सनली थिंक एक चीज आपको करनी है वो मेरे कहने पे, जी जी, कि आपने हेलमेट जरूर पहननी है। जी श्योर है ना, ये आपने जरूर करना है। पोनी अंदर डाल दो ना पता चले पोनी है ना कुछ है उस पे जा रही होगी तो पता, वो आपको उस चीज से सेव रखेगा। बिल्कुल, यू नो आई थिंक, और ये कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें इतनी ट्रैफिक है एंड यू आर गोइंग ऑन द बाइक, तो सबसे पहले अब आपको जो सैलरी मिले ना सबसे पहले आपने हेलमेट खरीद, ठीक है मेरे कहने पे, याद रखना। जी बिल्कुल। सो नाज़रीन एक हमारे साथ कॉलर भी है, उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम
जी कौन बोल रहे हैं? जी इकबाल खान स्वाती अवेलियन से बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप इकबाल खान साहब? खैरियत से हैं? जी जी अल्लाह का करम है, जी अल्लाह का शुक्र है। क्या कहना चाहेंगे? आए बस माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम है और आपके पास जो मेहमान आए हुए हैं ये बहुत अच्छे हैं। तो इनसे ये पूछना था कि ये फूल पांडा पांडा इसके साथ क्यों है, इसका क्या मतलब है? पांडा क्यों है साथ? पांडा होगा पांडा। अच्छा नहीं पैंडा क्यों, मतलब पैंडा उनका वो है वो जो लोगो है कि वो जानवर जो है वो ज्यादातर जापान में पाया जाता है। अच्छा ये जो गोल सा नहीं होता काली आंखें जिसकी होती हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो इसलिए आपने जो इसको ये बात कही है कि हेलमेट पहनना चाहिए तो ये सिर्फ इनके लिए नहीं है बल्कि हर हर शख्स जो बाइक पे बैठता है उसके लिए ये नसीहत आप जरूर करें। बिल्कुल हेलमेट जो है वो मस्ट है, मस्ट है। उसकी वजह है कि इसकी सबसे ज्यादा बुरी खुदा ना करे इंजरी जो होती है वो हेड पे हो सकती है कि आप नीचे जब गिरते हैं तो हेलमेट जो है आपको सेव करके रखती है इससे। बहुत शुक्रिया। अच्छा इकबाल साहब बताएं सबसे ज्यादा पहाड़ किस मुल्क में है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में एस से नहीं शुरू होता, मैंने आपसे कहा बी से शुरू होता है मुल्क का नाम। बी बी फॉर बैट, बी फॉर बॉल, बी फॉर बांसुरी। फिर बी से भारत हो सकता है? भारत नहीं, बंगाल हो सकता है। बगदाद? बंगाल नहीं, नहीं। तीसरी चॉइस बताएं। बस सॉरी हैं, बर्म्यूडा ट्रायंगल तो नहीं हो सकता? ठीक है हवेलियां कह दें सबसे ज्यादा पहाड़ वहाँ है। नहीं थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा आपको एक दो आपके प्रोफेशन है, एक जो आप टीचर हैं और सिंगिंग करते हैं तो उसमें अब आप आए हैं तो क्रिएटिविटी रात को होती है फिर साथ में पढ़ाना भी होता है, उन दोनों को कैसे लेके चलते हैं? वो इस तरह होता है कि बेसिकली कुछ लैब्स होती हैं जो क्लासेस होती हैं वो कुछ घंटों की होती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेती वो। उसके बाद मैंने अपने ऑफिस में ही अपना गिटार और ये चीज़ें रखी हुई हैं। अच्छा। तो जो भी सॉन्ग लिखता हूँ अक्सर ऑफिस में ही और उनको कंपोज साथ ही कर लेता हूँ तो फिर उनको स्टूडियो तक, मतलब ये है कि ज़्यादा टाइम फिर भी मुझे मैं म्यूज़िक को दे सकता हूँ, अपने शोज कॉन्सर्ट्स जो भी हो रहे होते हैं डिफरेंट टीवी चैनल्स के साथ वो मैं साथ साथ मैनेज कर रहा होता हूँ। मेरी हर रोज क्लास नहीं होती, कभी कभी क्लास होती है तो इस वजह से मैनेज फ्री टाइम मिल जाता है मुझे बहुत ज्यादा। जबरदस्त। अच्छा तो आप कौन सा सॉन्ग सुना रहे हैं? अभी आपको फास्ट सुनना है? चलो फास्ट सुना दें। जस्ट लाइक ठीक है अभी नहीं सुन, अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं बाद में सुने। ओके ओके ओके। अच्छा आपको कोई गाना तो थोड़ा सा सुनाओ ना, देखो मोटरसाइकिल चलाती हूं तो गाना भी गाती हूं। बिलाल खालिद की सिटी से आप तो सुनाना पड़ेगा। कुछ सोचने दें, मैं काफी टाइम से सॉन्ग छोड़े मैं नहीं सुनती बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ये मुझे सिर्फ बताओ, सॉन्ग भी याद रखो, ये जो फोन आगे लगाया होता है जी जी तो ये क्यों? अच्छा वो डायरेक्शंस के लिए मैप को, लोकेशन जो है ना मैं जब हम ऑर्डर पिक करते हैं ना हाँ। तो उसके बाद हमारे पास जो कस्टमर है उसकी लोकेशन आती है तो वो हमारी एप्लीकेशन पे आती है, वो फिर आप वहाँ से कोऑर्डिनेट करते करते गूगल मैप पे जी बिल्कुल। तो देखना और चलाना बड़ा नाजीन वेरी डिफिकल्ट, जिसको बाइक आता है वो कर सकता है। हाँ, बस नाजीन आप मुझे भी लग रहा है मुझे बाइक लेनी पड़ेगी। आप मुझसे सीखिएगा आजकल बिल्कुल, जो साइकिल चला सकता है ना उसको बाइक आ जाएगी। बस ये कि गियर्स चेंज कर रहे हैं और मुझे पता है अगर मैंने बाइक चलानी शुरू कर दी तो फिर, और बैलेंस भी देखना होता है। लेकिन साइकिल से कम वजन वाले अच्छा बैलेंस रखते हैं समझे। अच्छा सॉरी क्या कह रही थी? मैं कह रही हूँ कि जिसको साइकिल का बैलेंस ही कहा जाती है बाइक उसके लिए बहुत इजी है। आपको मैं बताऊँ तो साइकिल, रक्षा, बाइक, गाड़ी सब चला चुकी हूँ मैं। अच्छा मुझे मेरी हॉबी है ये, अच्छा लगता है चीजें करना। लेकिन ये मुझे पता रिक्शे को राजी सबसे जो मेरा इंटरेस्टिंग बात होती है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। पर ए, कुछ रिक्शे जो है बिल्कुल फंस जाते हैं वो स्टार्ट ही नहीं होते बेचारा वो चोटियां दबा दबा के लेकिन वो अब उसको पता नहीं होता उसमें पेट्रोल ही नहीं होता। मैंने जो है चिंची ट्राई किया है वो बाइक की तरह होता है लेकिन ये है कि उसको भी बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा हैवी होता है, हैवी बॉडी। अच्छा इन्होंने एक और चीज दिखाई ना जी, पाकिस्तान के दिमाग जो है माशाल्लाह बड़े क्रिएटिव है, मोटरसाइकिल के पीछे एक वो
पिकअप टाइप की नहीं होती है, अब तीन पहिए हो गए, मतलब वो एक लोहे का बना हुआ, वो भी एक चीज है ना जो लोडिंग अनलोडिंग के लिए। ओके राजीन, ब्रेक का टाइम आ गया। मेरे साथ फरहीन मौजूद हैं, बिलाल हैं, आपने कहीं नहीं जाना है, क्विक से ब्रेक के बाद इनसे दोबारा से मुलाकात करते हैं। वेयर आर यू गुलदादी, गुलदादे, वेयर इज द, वेलकम बैक नाजीन बाबा, माफ कीजिएगा गुलदाद भाई को मैंने गुलदादे बोल दिया, गुलदादे दे, सॉरी नहीं, अच्छा ये दो मिनट इधर रख दे, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया नाजीन। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है फरहीन, जो कि फर्स्ट रावलपिंडी इस्लामाबाद में फूड पैंडा राइडर हैं, और साथ में बिलाल खालिद हैं जो कि सिंगर हैं, और ये आप लोगों के लिए मिर्चें नहीं मैंने डाली अब, ये अभी आप चम्मच से खाएं ताकि इसके बाद जब रोटियां लगाने के लिए गुलदाद भाई भागे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत जबरदस्त एक तंदूर है। अच्छा। वो अलहदा बात है, जब तंदूर गर्म हो तो बहुत सारे लोग उसमें रोटियां लगाते हैं, लेकिन इस वक्त हम खाने वाली रोटियों की बात कर रहे हैं। अच्छा पहले टेस्ट करो जरा, सलाम रही, ओह नाजीन, ओह हो बहुत मजे की है ना यार, कि मैं भी डिलीवरी ना शुरू कर दूं। नाजीन मैं भी सोच रही हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है आज के दौर में, टू मेक एक्स्ट्रा बक्स। कैसा बना? बहुत टेस्टी है, रोटियों में और मजा आएगा ना, साथ रायता साथ सलाद दोनों। अच्छा आप क्यों हंसे बताओ ना खालिद, सॉरी बिलाल। अच्छा ये सिर्फ आपका इशू नहीं है, ये सब लोग मुझे ना सेकंड नेम से ना अक्सर बुलाते हैं। अच्छा हाँ जी, सब कहते हैं बिलाल, भूल जाते हैं, कहते हैं सब में कौन कौन है, सब मींस के फैन फॉलोइंग के लोग हैं। अच्छा आपका, सॉरी सबसे पहले तो आप अपना वो बता दें जो सोशल मीडिया साइट है। इंस्टाग्राम पे वाइब्स ऑफ बिलाल सर्च करेंगे, और यूट्यूब पे बिलाल खालिद सिंगर लिखेंगे तो मेरे सॉन्ग्स आ जाएंगे, और दूसरा जो इंस्टाग्राम का मेरा पेज है, जो बैंड का पेज है, उसका स्पार्क बैंड ऑफिशियल आप सर्च करेंगे, स्पार्क बैंड ऑफिशियल, उसको आप फॉलो करेंगे, उसको शेयर भी करें, और इन स्टे ट्यून्ड, आपको डिफरेंट वीडियोस, कॉन्सर्ट्स की वीडियोस, और प्लस हमने एक सीरीज शुरू की हुई है यूट्यूब यूट्यूब के लिए, वो भी साथ साथ जो है वो अपलोड होती रहेंगी, तो आप इंशाल्लाह देखते रहेंगे। अच्छा आपका? जी मेरा जो इंस्टाग्राम है फरहीन अंडरस्कोर जेफरी के नाम से है, आप उसको सर्च कर सकते हैं और डू फॉलो। और मैंने कल ही जो है ना अपना यूट्यूब पेज जो है ना बनाया है, और फरहीन जेफरी व्लॉग्स इसके नाम से है, तो काइंडली आप जैसे वैसे मुझे अप्रिशिएट करते हैं सारे लोग मिलके, तो आप काइंडली मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करें और वहाँ पे भी इसी तरह प्यार दिखाइए। अच्छा फरहीन की स्पेलिंग बताओ, FARHEEN फरहीन, JAFFERY जाफरी, आगे व्लॉग्स। अच्छा देखो ना जाफरी की स्पेलिंग कुछ ERI होती है, ERY है आपकी, जी ERY, डबल एफ, डबल एफ, ओके जरूर आप इनको फॉलो भी करें। तो मैं चाहूंगी कि अब बिलाल जो है कौन सा सॉन्ग सुना, एक कॉलर से बात कर ले। जरूर। हेलो अस्सलाम वालेकुम, माफ कीजिएगा। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? जी मैं, हेलो जी, जी आवाज आ रही है? हमाद मुस्लिम बात कर रहा हूँ जी, मानसेरा से। हमाद मानसेरा से, कैसे हमाद आप ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह, शुक्र आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? बस आपका प्रोग्राम हम बड़े दिलचस्पी के साथ देखते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। और ये जो सिस्टर बैठी है, मैं इनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर ये मतलब एक जो चैंकी होती है या रक्त होता है उसके ऊपर ये फूड पांडा रखना एक पिक्चर की बनवा के अगर उतरा हो जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं होगी? ये पिक्चर बनवाए अपनी, मतलब नहीं जो फूड पांडा का जो होता है ना, क्या दोबारा से बोले? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जिस तरह चैंकी या रक्षा हो, हाँ रक्षा में जा। अच्छा सुने यार, हम आज से बात ही नहीं कर यार, वो कह रहे कि मोटरसाइकिल, सॉरी थैंक यू सो मच, सजेशन देना चाह रहे थे क्योंकि चिंगची या रिक्शा, रिक्शे पे तो बहुत टाइम लगेगा, यहाँ पे जो है ना ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है हमारा, तो मेरे ख्याल से CD-70 बहुत अच्छी है इस तरह हिस्सा निकालने के लिए, रिक्शा तो फंस ही जाएगा यहाँ पे। फिर अगर वो जो उसकी स्टिक होती है, इनका फायदा सोच रहे हैं ना, रिक्शे में ज्यादा डिलीवरीज आ जाएंगी ना, तो ये सारी रात डिलीवरी।
जो इन्होंने पार्ट्स में डिवाइड करने हैं जाके देने डिलीवरी एक ही दफा सारे हो जाए। 2700 का बॉक्स आता है यार, मतलब वो बॉक्स में जरूरत क्या है, एक देखिए कन्वीनियंस भी होती है। लेकिन हाँ ये बी केयरफुल, आप माशाल्लाह कर रही है, कॉन्ग्रेचुलेशन, मुझे बड़ी खुशी हुई है। और ये के जरूर मंगाए गाना, एक ही शहर के दोनों रहने वाले हैं ना, तो माशाल्लाह से अब माइक लग गया, अब चलें। इस गाने पे आप डांस कर सकते हैं। हम हाँ, करेंगे बिल्कुल। लाके टिक दे जानी कर दे मनमानी चूर करके ओ जिंदगानी ते कर दे मनमानी ओ मेरे दिल दिया कुंडियां हिलियां ओ मेरे दिल दिया कुंडियां हिलियां ते अल्लाह कर तू होए ते अल्लाह कर तू होए ते जबरदस्त। और मैं आपको बता दूं कि मुझे अभी हम बातें साथ साथ कर रहे थे कि फरीद ने कहा कि मुझे लुड्डी का बड़ा शौक है। मैंने कहा भाई जगह नहीं थी वरना हमने तो अभी यहाँ पे दबा दिया। वेरी नाइस सॉन्ग, बहुत अच्छा था, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे भी मिलके। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। नाजीन हमें विक्ट्री का साइन आ रहा है कि 2 मिनट रह गए हैं भाई। तो अच्छा अब क्योंकि हम लोग अब खड़े हुए हमारी सोशल मीडिया टीम पूरी आ चुकी है, वाह, कुछ अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगी आप?
फरीन जी बिल्कुल मैं जो है अपनी ख्वातीन जो हैं उनको पैगाम देना चाहूँगी कि आप प्लीज़ डरे मत, आप किसी से कम नहीं हैं। जब आप डर जाते हैं ना तो आप वहीं रुक जाते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। और आपने सुना ही होगा कि डर के आगे जीत है, तो घर से निकलें, आपका जो टैलेंट है उसे यूटिलाइज करें। और मेल से मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई फीमेल काम करना चाह रही है तो उनको सपोर्ट करें, ना कि उन्हें डीमोटिवेट करें। और जब इस तरह होगा हर बंदा इंडिपेंडेंट होगा, वाइफ है तो वो जॉब करें, अपने हस्बैंड का जो है साथ दें, इस तरह कोई बहन है बेटी है वो अपने फादर और इस तरह से जो है ना उनका साथ दें, तो इस तरह हमारा जो है पाकिस्तान भी तरक्की करेगा और हम खुद भी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वेरी नाइस मैसेज। कहने का मकसद ये भी है कि आप लोग जो है ना, अब दौर वो है कि हर एक को कमाना पड़ेगा क्योंकि हर चीज की प्राइसेस जो है आसमान को बातें कर रही हैं। तो बजाय फ्रस्ट्रेट होने के मेहनत करें और मेहनत का फल मिलता है। बिल्कुल, बस ये निकलना। और प्लीज ये मोटरसाइकिल हजरात से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप देख रहे हैं कि जब कोई खातून जा रही हो या वो किसी काम से निकली हुई है, तो आप लोगों ने कभी लड़कियां नहीं देखी है, है? कभी आप लोगों ने खवातीन नहीं देखी है? हम इतने प्यारे लग रहे होते हैं, इतने प्यारे बेचारे तो ये कि चले देख के फिर चले जाया करें ना, गर्दन ही मोड़ के फिर आवाजें कसते हैं। ठीक है, वेरी नाइस, बहुत मुबारक हो आपको। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। अपना बहुत ख्याल रखना। मेरा मैसेज ये है, जो आजकल की न्यू जनरेशन है, इस तरह हो रहा है कि कुछ जो पेरेंट्स हैं ना, पेरेंट्स वो जो भी स्टूडेंट होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनको फोर्स करते हैं जो कि वो चाहते हैं। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि पेरेंट्स अपनी मर्जी थोपे बच्चों को, बच्चों पे, या बच्चों से उनको पूछना चाहिए कि बेटा आप क्या करना चाहते हैं, उनकी विश उनसे पूछनी चाहिए, ना कि अपनी मर्जी उन पर थोपें। उनके अंदर का जो भी टैलेंट है उनको उसे ग्रूम करें, और ग्रूम करने में उनकी हेल्प करें, ना कि उनके टैलेंट को दबाएं। ठीक है, तो बात ये है कि आप पेरेंट्स से, अब मैं कह रहा हूँ कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उनके टैलेंट में सपोर्ट करें, जो चीज़ वो करना चाहते हैं उनको वही चीज़ करने दें, वो उसी में ही वो कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज़ वो जिसमें आप उनको फोर्स करेंगे वो चीज़ कभी भी नहीं वो कर पाएंगे। तो दिस इज़ द थिंग आई वांट टू से ओनली। नाज़रीन, वेरी नाइस, मुझे इसलिए अच्छा जी, भूटान है, भूटान है, भूटान में सबसे ज़्यादा दुनिया में पहाड़ पाए जाते हैं। आपसे बिलाल मिलके बहुत खुशी हुई। यू हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। आपके एक वो जज्बा है, आपकी जो एनर्जी है ना दोनों की, वो बहुत अमेजिंग थी। सो वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। एक सेकेंड रुको, मैं आप लोगों के साथ तस्वीर खींचनी है, सिंगल सिंगल, फिर उसके बाद हमारी टीम तो खड़ी हुई है। यार 10-12 नहीं आया करो ना, ज्यादा हो जाता है फिर। करते हैं आप खुबैब, खुबैब पूरी टीम ले आता है। अच्छा, स्माइल चीज, वेरी नाइस, थैंक यू। और एक आपके साथ जी, चलो मैं भी ले लूं। नहीं नहीं, अभी लेंगे तस्वीर। ओके ओके, आई अदर, ओए होए, छुप गई, मैं भी हूं साथ। ओके, स्माइल चीज, वेरी नाइस, जबरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। नाज़रीन, आज का शो जो है कल सुबह 9:30 और कल शाम को 4:30 रिपीट होगा। बाकी ये कि अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें और इधर आए मिलके कहना है हमने सबने। वंस अगेन शुक्रिया नाज़रीन, आप सबका शुक्रिया, टीम का शुक्रिया। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ शाम में, रात में 9:30 लाइव। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।